खजनी थाना क्षेत्र के रामपुर पांडे टोला खरहरी में एक मनबड़ आशिक एक तरफा प्रेम में पागल युवक ने पहले किशोरी को कुएं फेंक दिया और बाद में खुद भी उसमें छलांग लगा दी। आशिक ने किशोरी की मां की भी पिटाई की है। इससे पहले भी वह किशोरी के सामने फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश कर चुका है। खजनी के रामपुर पांडे टोला निवासी बंशी के बेटे संजय के आशिकी की हरकतों से आजीज होकर किशोरी के परिवार वालों ने किशोरी की शादी कहीं और तय कर दी है। बीती रात किशोरी कहीं फोन पर बात कर रही थी जिसे संजय ने देख लिया। इस पर उसने विरोध किया और किशोरी को उठाकर उसके घर के पास के कुएं में फेंक दिया। बेटी को कुएं में फेंके जाने के बाद उसकी मां ने मदद के लिए आवाजें लगानी शुरू कर दी। इस पर आशिक भड़क गया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद खुद भी कुएं में कूद गया। कुएं में किशोरी का गला दबा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्राम प्रधान की सक्रियता से दोनों की जान बचाई जा सकी। खजनी पुलिस ने मामले में मनबड़ युवक के खिलाफ जान से मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ खजनी रचना मिश्रा ने बताया। ग्राम खरहरी थाना खजनी अंतर्गत एक 27-28 साल का एक अविवाहित लड़का संजय, जो कई दिनों से अपने गांव की ही एक सजाती लड़की को शादी करने की नियत से उसके पीछे पड़ा था, परेशान कर रहा था। कल अचानक उस लड़की के पास जाके उससे कुछ बातें कही हुई, फिर उसका हाथ पकड़ के पास के ही एक कुएं में लेके दोनों कूद गए, उसको कूद गया, जिससे दोनों को काफ़ी चोटें आई। मौके पर पुलिस तत्काल पहुंची, फ़ोन से सूचना प्राप्त होने पर उन दोनों को बाहर निकलवाया, दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाके भर्ती कराया। और चूंकि उसने ज़बरदस्ती की उस लड़की के साथ, उसको लेके खुद कुएं में कूद के मारने की कोशिश की, अतः 307 IPC के तहत मुकदमा लिख के उस लड़के को जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दोनों सुरक्षित भी हैं और स्वस्थ हैं।